उत्तराखंड में लगातार अवैध खनन का काम जारी है। लगातार खनन माफिया प्रशासन की आंख में धूल झोंककर अवैध खनन कर रही है। इसी अवैध खनन को रोकने के लिए जब पुलिस और प्रशासन कोशिश करती है तो प्रशासन पर हमला किया जाता है। उधम सिंह नगर के खटीमा में जब अवैध मिट्टी खनन की शिकायत पर पुलिस की टीम छापा मारने पहुंची तो खटीमा वन रेंज के वन कर्मियों की टीम पर खनन माफियाओं ने हमला कर दिया। हमले में खनन माफियाओं ने वन दरोगा संतोष भंडारी और उत्तम राणा से अभद्रता कर हाथापाई की और उनकी वर्दी फाड़ दी। हमले के बावजूद वन कर्मियों ने एक खनन माफिया और ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। कल रात को मेरे को सूचना मिली कि जो है लुया हेड पावर हाउस के नीचे जो हमारा आरक्षित वन क्षेत्र है उस पर जो है कुछ व्यक्ति लोग अवैध खनन कर रहे हैं। मेरे द्वारा तुरंत जो है टीम गठित की गई। टीम गठित करने के उपरांत जो है हमारे कर्मचारी वहाँ स्टाफ मौके पर गया तो वहाँ पर एक ट्रैक्टर ट्राली को अवैध खनन करते हुए पकड़ा गया और उसमें एक अभियुक्त जो है मान सिंह को भी पकड़ा गया है। उसको तुरंत हमारा स्टाफ यहाँ लेके आ रहा था। करीब लुया हेड सूखा नहर के पास में हमारे इन आदमियों को जो है वहाँ के जो अज्ञात व्यक्ति लोग थे उनके द्वारा इनको घेराबंदी कर जो है इनके वर्दी पाड़ दी गई और जो है इनके संग बड़ा क्या नाम जो है बदतमीजी करेगी, गाली गलौज करेगी। इसके बाद मेरे बाद तुरंत द्वारा जो है मेरा स्टाफ जो है यहाँ से खटीमा से भेजा गया जिनको जो सुरक्षित ला करके हम रेंज कार्यालय लिया है। खटीमा के वन रेंज के जंगल से अवैध मिट्टी खनन की शिकायत पर बीती रात छापा मारने पहुंची वन विभाग की टीम को देखकर वन तस्कर मौके से भाग गए थे। वन विभाग की टीम ने मौके से अवैध मिट्टी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ने में जहां कामयाब रही तो वहीं एक खनन माफिया को भी वन विभाग की टीम ने मौके से गिरफ्तार कर लिया। वन विभाग की टीम जब अवैध खनन को पकड़ी गई ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर वन रेंज कार्यालय को आ रही थी तो ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ाने के लिए वन माफियाओं ने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। वन कर्मियों से हाथापाई के दौरान वन दरोगा संतोष भंडारी और उत्तम राणा की वर्दी मिट्टी खनन माफियाओं द्वारा फाड़ दी। पीड़ित वन कर्मियों की शिकायत पर पहुंची मिट्टी खनन आरोपी मानसिंह धामी और तीन दूसरे खनन माफियाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। भी प्रकार का जो अवैध खनन होता है उस खनन पर जो है अंकुश लगाने हेतु जो है हमारे को जो भी प्रभावी क्या नाम गश्त करनी पड़े और हमें अवैध खनन पर हमें कतई बर्दाश्त नहीं है कि हम हमारे खटीमा क्षेत्र के अंदर कोई जो अवैध खनन हो। तो कुछ लोगों द्वारा इधर रेंज ऑफिस में भी आरक्षित, हाँ हमारे यहाँ जब रेंज ऑफिस में आए तो कुछ व्यक्ति अज्ञात व्यक्ति जो चार पांच व्यक्ति उनके संग और व्यक्ति भी थे गाड़ियों से आए और अब रेंज कैंपस में भी अभद्र व्यवहार कर रहे थे। वही पकड़े गए खनन माफिया मानसिंह धामी को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। साथ ही दूसरे माफियाओं की तलाशी तेज कर दी है। इसी के साथ ही खटीमा वन रेंज के अधिकारियों ने खनन माफियाओं को चेतावनी जारी की गई है। खटीमा वन रेंज के जंगलों में किसी भी तरह के अवैध खनन को अंजाम न दिया जाए वरना सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए खटीमा से निजामुद्दीन शेख की रिपोर्ट।